नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, पहली बड़ी खबर निकल के आई है तो दोस्तों आखिरकार टीम इंडिया में शामिल होंगी मायावती। इंडिया गठबंधन का रास्ता खुला, दानिश अली को बोलना भाजपा को पड़ गया भारी, बीजेपी बैकफायर पर। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त जीत, बीजेपी ने किया जमकर बेईमानी, डूसू चुनाव को लेकर के हुआ है बड़ा बयान, बताएंगे क्या क्या कुछ है दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव को लेकर के आई खुशखबरी। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों जहां ईवीएम से चुनाव न हो, चुनाव कराया जाए पूरी तरीके से बैलेट पेपर से, तभी होगी कुछ पारदर्शिता, वरना लूट लेंगे सारे के सारे पोल, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां बड़ी खबर निकल के आई है राजस्थान पहुंचे राहुल गांधी, जलजला भीड़ का ओबीसी कार्ड खेल दिया, जातीय जनगणना पर जोर, महिला छात्रों संघ जो है छात्राओं संघ स्कूटी के साथ की यात्रा, बताएंगे इसके बारे में। मणिपुर को लेकर कुछ एक बड़ी खबर आई है, राहुल गांधी ने क्या कुछ ऐलान कर दिया है वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर, सब कुछ खबर मध्य प्रदेश चुनाव से लेकर भी आई है कुछ एक बड़ी अपडेट, तो एक एक करके आपको जान लेना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा संदेश, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली जो बड़ी खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दे, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव में डंका बजा है एनएसयूआई की जीत हुई है, लेकिन धांधली करके कुछ सीटें बीजेपी के खाते में भी गई हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवारों ने केंद्रीय पैनल के चार में से तीन पदों पर जीत दर्ज की है। वहीं एनएसयूआई ने एक पद पर जीत हासिल की है, एबीवीपी के तुषार ठेढ़ा दिल्ली के विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने एनएसयूआई के हितेश गुलिया को शिकायत दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एबीवीपी के तुषार ठेढ़ा डूसू के अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने एनएसयूआई से हितेश गुलिया को हराया है। हालांकि आपको बता दें यहां पर कांग्रेस पार्टी एनएसयूआई से भी जो है वो जबरदस्त जीत मिली, कल ही जो है वो एनएसयूआई लोगों ने कहा था कि बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, लेकिन यहां पर आपको बता दें डूसू में चुनाव के बीच जो है वो एक सीटों पर कांग्रेस पार्टी समर्थित एनएसयूआई ने भी जीत दर्ज की है। एनएसयूआई के हितेश गुलिया को जहां उन्होंने हराया था, और कांग्रेस के छात्र इकाई के दहिया ने डूसू के उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। एबीपी की अपराजिता और सचिन बैसला को चुनाव में हरवाया है, तो कांग्रेस की छात्र इकाई की अभी दहिया ने डूसू के उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई से जीत दर्ज की है। हालांकि इसमें जो है वो धांधली का आरोप लगाया है खास करके छात्र संघ चुनाव में। एक और अपडेट, 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से कराया जाए क्योंकि ईवीएम हैक हो सकता है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष तिवारी ने एक बार फिर से ईवीएम 2024 को बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग की है। कहा 2024 का चुनाव अगर ईवीएम से होता है तो ईवीएम हैक होने के पूरे चांसेस हैं और ईवीएम जो है वो हैक भी हो जाती है, ऐसे में चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से ही कराए जाने चाहिए। बैलेट पेपर से अगर चुनाव होते हैं तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सीधे तौर पर उन्हें इस बात को लेकर कही है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आपको जान लेना जरूरी है, जहां मायावती के सांसद को आतंकी बोलना भारी पड़ गया है पूरी की बीवड़ी, बीजेपी इंडिया को बैकफायर कर रहा है क्योंकि मायावती के लिए खुल गए हैं इंडिया के दरवाजे और मायावती भी इंडिया की तरफ बढ़ती चल रही दिखाई दे रही है, हो गया है बड़ा संकेत। दरअसल बहुजन समाज पार्टी सांसद दानिश अली और बीजेपी सांसद रमेश बिधोड़ी की गालियों ने विपक्ष का एक सुर कर दिया है। दानिश अली से कात के बाद राहुल गांधी ने भी संकेत दे दिए हैं और मायावती ने भी ट्वीट करके सीधे तौर पर ये इशारा कर दिया है। ऐसे में दानिश अली वो एक मोहरा हो सकते हैं जिससे टीम इंडिया में मायावती की एंट्री हो सकती है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी और मायावती ने भी मुलाकात की थी। प्रियंका और मायावती की मुलाकात में टीम इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर बातें बन रही हैं। सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो मायावती जाहिर सी बात है टीम इंडिया में शामिल होती हैं और अगर तीनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ी तो फिर भारतीय जनता पार्टी को का सुपड़ा साफ होने वाला है और 50-60 से ज़्यादा सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में विपक्ष जीतने वाला है। एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, राजस्थान पहुंचे राहुल गांधी का धमाका ओबीसी कार्ड, जबरदस्त जन सैलाब उमड़ा, गहलोत और वसुंधरा राजे की हो गई मीटिंग। दरअसल राजस्थान दौरे पर गए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को जमकर निशाने पर लिया। प्रदेश कांग्रेस के नए मुख्यालय के शिलान्यास के बाद सम्मेलन में राहुल गांधी ने महिला आरक्षण लागू करने के समय जातिगत जनगणना का केंद्र को भाजपा सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा है कि पूरे विपक्ष ने महिला आरक्षण का समर्थन किया, हम चाहते हैं कि महिला को आरक्षण आज से ही लागू हो जाए, लेकिन भाजपा 10 साल बाद इसे लागू करना चाहती है। मोदी ओबीसी वर्ग को भागीदारी देना चाहते हैं लेकिन जातिगत जनगणना से क्यों डर रहे हैं, वे अडानी से भी डरते हैं, चुनाव से पहले बीजेपी वाले वोट मांगने आए तो उन्हें पूछना कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हो। इतना ही नहीं, अब राहुल गांधी जहां राजस्थान में अपना पैर रखे एंट्री किया तो वहीं दूसरी तरफ माहौल बिगड़ गया और गहलोत और वसुंधरा राजे की मुलाकात अब वायरल होने लगी है। तस्वीर के कई सियासी मायने भी देखे जाने लगे हैं और सीधे तौर पर एक तरीके से तगड़ा झटका देखने को मिला है। एक और अपडेट, 2024 में वायनाड से नहीं लड़ेंगे राहुल गांधी चुनाव, इंडिया में शामिल सीपीआई ने सीट शेयरिंग पर किया इशारा। दरअसल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से
आगामी लोकसभा चुनाव में वायनाड से चुनाव नहीं लड़ने का अनुरोध कर सकती है। सीपीआई की हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय नेतृत्व की बैठक में इसको लेकर निर्णय लिया गया। सूत्र के अनुसार इस निर्णय से आधिकारिक तौर पर कांग्रेस को अवगत कराया जाएगा। सीपीआई चाहती है कि राहुल गांधी बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ें। सीपीआई का मानना है चूंकि वो विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है, इस कारण सबसे बड़ी पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस को यह सुनिश्चित करना चाहिए राहुल गांधी वायनाड से इलेक्शन न लड़ें। इस तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं। फिलहाल आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां लोकसभा में विपक्ष को घमंडिया गठबंधन नहीं बोल पाएंगे बीजेपी नेता, संसद ने असंसदीय करार दिया। विपक्षी दलों के गठबंधन ने अपने गठबंधन का नाम INDIA अर्थात इंडिया रखा है, तभी से बीजेपी नेता उनका अलग अलग नामकरण कर विपक्ष पर हमला कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी द्वारा दिए गए नामों में सबसे चर्चित नाम घमंडिया गठबंधन है। इसका इस्तेमाल बीजेपी के अलग नामों से लेकर कार्यकर्ता पर विपक्षी हमला बोलते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले में आपको बता दें, अब दरअसल एक संसदीय प्रणाली भी होती है और घमंडिया नाम को लेकर इंडिया गठबंधन को अब घमंडिया के नाम से नहीं जाना जाएगा और ना ही कोई इसे बुला पाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो कही गई हैं। तो ये अपने आप में अगर ये हो जाती है तो भाजपाइयों के लिए एक तरह का तगड़ा झटका भी साबित होगा। तो अब आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां दूसरे चुनाव में अध्यक्ष समेत 3 पदों पर ABP बेईमानी से जीती, 1 पर NSY ने जीत दर्ज की है। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ दूसरे चुनाव शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABBP के उम्मीदवारों ने केंद्रीय पैनल के 4 में से 3 पदों पर जीत दर्ज कर दी है। आपको बता दें, अब शिकायत विश्वविद्यालय छात्र संघ दूसरे के अध्यक्ष चुने गए हैं ABBP के तुषार टेढ़ा, उन्होंने NSY के हितेश गुलिया को शिकस्त दे दी है। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार ABBP के तुषार टेढ़ा दूसरे के अध्यक्ष चुने गए हैं, जिन्होंने NSY के हितेश गुलिया को हराया। कांग्रेस की छात्र इकाई को अभी दहिया ने दूसरे के उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। ABBP की अपराजिता और सचिन बैसला क्रमशः सचिव और संयुक्त सचिव निर्वाचित हुए हैं। एक और अब खबर निकल के आई है दोस्तों, दानिश अली के बहाने पुराने वोट बैंक पर भी कांग्रेस की नज़र, बसपा से भी ज़्यादा एक्टिव नजर आई कांग्रेस पार्टी। दरअसल देश के नए संसद भवन में जिस समय महिला आरक्षण बिल पास हुआ, उसी समय जो है वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के दानिश अली को जो कुछ कहा, उस पूरे मामले में आनंद फानंद राहुल गांधी ने मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। ऐसे में इस बात के सुगुहाट लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी के एक्टिव होना ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका है, क्योंकि मुसलमान वोटरों का सीधा जुड़ाव कांग्रेस से होगा। एक और अपडेट, राजस्थान विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग की सुविधा, इस तरीके से उठा सकते हैं हम सुविधा का लाभ। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव निर्वाचन आयोग ने होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की है। निर्वाचन विभाग समावेशी एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनाव में होम वोटिंग की पहल की गई है। इन चुनावों में पात्र 18 लाख मतदाताओं को विकल्प के तौर पर सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने बताया है कि सुविधा विकल्प के रूप में और योग्य मतदाता यदि इस सुविधा का चयन करना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव अधिसूचना जारी करने के 5 दिवस के भीतर BLO द्वारा दिए गए 12D फॉर्म को भरकर BLO को देना होगा। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां खालिस्तानियों पर भारत का आर्थिक प्रहार, पन्नू के बाद जब्त होगी निज्जर की जालंधर वाली संपत्ति। खालिस्तानियों पर नकेल कसने के लिए भारत कई सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया। शनिवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण यानी NIA ने भारतीय प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरुवंत पंत सिंह पन्नू के चंडीगढ़ और अमृतसर में अचल संपत्ति शनिवार को कुर्क कर ली। अब अगला निशाना मारे जा चुके खालिस्तान आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की संपत्ति पर है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हाल ही में खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की संपत्ति जब्त करने के लिए नोटिस जारी किया। निज्जर को भारत सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादी घोषित कर दिया और इसी साल जून में कनाडा में निज्जर की हत्या कर दी गई, जिसके बाद कनाडाई सरकार ने हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाया। कनाडा के दावों को भारत ने बेतुका और प्रेरित कहकर खारिज कर दिया है। एक और अपडेट भी निकल के आई है तो दोस्तों, आखिरकार क्या है पूरा मामला, आखिर क्यों लगातार जो है वो मुसलमानों को लेकर के मोदी निशाने पर। अगली एक अपडेट, शाहरुख खान की जवान ने 17वें दिन रच दिया इतिहास, पठान का रिकॉर्ड तोड़ बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, शाहरुख खान के स्टारन फिल्म गदर 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन के मात दे दी है। हालांकि इस बीच जवान की कमाई में कई दिनों से गिरावट देखी की जा रही थी। पिछले 2 दिनों से तो फिल्म सिंगल डिजिट में कलेक्शन कर रही थी, हालांकि रविवार को फिल्म की कमाई में उछाल देखा गया। और यहां पर आपको बता दें, शनिवार को 17वें दिन तीसरे शनिवार को जवान करोड़ों में कमाई की है।
और आपको बता दें गदर 2 का कलेक्शन 532 करोड़ रुपए जहां भारत में था 16वें दिन, वहीं अब इसे पार कर दिया है और 17वें दिन जो है वो पूरी तरीके से 500-600 को करोड़ टारगेट की ओर बढ़ गई है। तो ये एक तरीके से तगड़ी मतलब यानी अपनी फिल्म को ही और गदर को भी उन्होंने पीछे कर दिया शाहरुख खान की, तगड़ा रिकॉर्ड कर दिया। एक और अपडेट, राहुल गांधी रक्षा मामले में संसदीय समिति में उठाया चीन का मुद्दा, बीजेपी नेता हुए नाराज, किया विरोध। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक के दौरान एक बार फिर चीन का लद्दाख में भारत और जमीन पर कब्जा करने का मुद्दा उठाया। हालांकि इस पर बैठक में बीजेपी के नेता नाराज हो गए, विरोध करने लगे, जिसकी वजह से राहुल गांधी और बीजेपी नेता चीन के मुद्दे पर एक एक दूसरे के सामने आ गए। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को पार्लियामेंट्री नेक्सी भवन में रक्षा मामलों के संसद की स्थायी समिति की बैठक के दौरान चीन मुद्दे पर मुखर रहने वाले राहुल गांधी ने एक बार फिर यह मामला उठाया। सूत्रों ने कहना है कि राहुल गांधी ने चाइना के लद्दाख में भारत की जमीन पर कब्जा करने का मुद्दा उठाया है, तो सीधे तौर पर ये चीजें कही जा रही हैं। एक और अपडेट, मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं बहाल, 5 महीने से लगा था बैन, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सीएम ने लिया फैसला। मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा के बाद से पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है और ये घोषणा शनिवार को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने की है। उन्होंने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्य में 3 मई से भड़की जातीय हिंसा के मद्देनजर निलंबित मोबाइल इंटरनेट सेवाएं शनिवार से बहाल की गई हैं। इसके अलावा उन्होंने मुक्त आवाजाही व्यवस्था को रद्द करने का भी आह्वान किया। पिछले महीने मणिपुर हाईकोर्ट से भी राज्य सरकार को मोबाइल फोन के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करने का निर्देश दिया गया। आपको बता दें 3 मई को मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड दोनों इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। जिस दिन राज्य में पहली बार हिंसा भड़की थी, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए पहले 5 दिनों की अवधि के लगाया गया इंटरनेट प्रतिबंध 5 महीनों तक लागू रहा। सीएम सिंह ने दावा किया संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार ने फर्जी समाचार, दुष्प्रचार और नफरत फैलाने वाले सामग्री का प्रसार रोकने के लिए 3 मई को मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई, नई संसद की नींव तभी रखी जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो अछूत है, मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा। जब नई संसद की नींव रखी गई तब भी राष्ट्रपति भवन कोविंद को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो अछूत है, अगर वो अछूत हाथ से नींव रखते हैं तो गंगा जल से धोना पड़ता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से इस मुद्दे पर जो है उन्होंने बड़ा हमला बोला है और एक तरीके से सरकार को वायना दिखा ही दिया है आखिरकार। एक और अपडेट, यूपी के टीचर, हजारों टीचर्स मुफलिसी के मारे, कोई लगा रहा टायर को पंक्चर तो कोई बना रहा साड़ी, समझिए क्या है वजह, क्यों मदरसों का रोक दी गया फंडिंग। एक तरफ देश के पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सबके साथ सबका विकास के हजारों दावे करती थक नहीं रही है, लेकिन दूसरी ओर हकीकत कुछ और ही है। यूपी में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार के बावजूद धार्मिक शिक्षा व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। हालात इतने खराब हैं कि प्रदेश के 7442 मदरसों में पढ़ा रहे